साउथ इंडिया वालों को सबको मालूम है आज कौन सी मराठी फिल्म रिलीज हो रही है। एक सोशल फिल्म बनती है, फैमिली को लेके फिल्म बनती है, वैल्यूज को लेके फिल्म बनती है। तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मराठी सिनेमा को, आप इसी तरह अच्छा काम करते रहें। और बहुत से लोगों ने अच्छी फिल्में बनाई हैं, आज सब लोग थिएटर तक पहुंचे हैं, अच्छे टाइमिंग मिल गए हैं आज मराठी सिनेमा को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राघव और ऐसे और जो मराठी सिनेमा बनाना चाहते हैं अच्छी फिल्में बनाएं, ताकि आपको इनकरेज करने के लिए लोग सिनेमा तक पहुंचे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं तन्वी किशोर। इस फिल्म के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है? ये फिल्म, जैसे कि टाइटल से आप जान सकते हो कि वीरात वीर मराठा, तो ये काफ़ी हद तक एक एक्शन पैक्ड फिल्म है, लेकिन एक्शन के साथ ही इसमें हिट फॉर्मूला के लिए बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी हम लोगों ने डाले हैं, जैसे कि हिट सॉन्ग्स हैं, अच्छे सॉन्ग्स हैं, कॉमेडी है, फिर रोमांस है, और उनके छोटे छोटे इनपुट्स भी हैं। आपने किस तरह का रोल, आपका किरदार क्या है इसमें? मेरा किरदार है, जैसे वीर है तो उनकी अर्धांगिनी हूँ मैं, तो जैसे वीर दिखाए हैं काफ़ी शूर बलवान, तो मेरा कैरेक्टर जो रानी है, रानी एक नटखट सी लड़की है जो जिसकी शादी के बाद ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ऐसे कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पे उन्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, और काफ़ी हद तक एक्शन पैक परफॉर्म भी करना पड़ता है। तो या शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड मराठा गर्ल। वीर जी के साथ काम करके कैसा लगा, किस तरह से? जैसे आपकी पहली फिल्म में जैसे वीर जी के साथ पहली नहीं, अच्छा पहले मराठी फिल्म कर चुका? हाँ, मेरी ये 7th फिल्म है। वीर जी के साथ ऐसे एज एक्टर के साथ कैसा लगा? वीर शिवा कैरेक्टर जो है आर्यमान, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, एक्टर तो हैं ही लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी मेहनती हैं और डेडिकेटेड हैं, सो आई थिंक ही विल, गॉड ब्लेस। म्यूज़िक में भी वैरायटी है, म्यूज़िक में भी अपना टाइटल ट्रैक जो है वो काफ़ी दमदार है, उसके बाद अपना रोमांटिक सॉन्ग भी है, आरती भी है, सब तरीके का म्यूज़िक है। आगे किस तरह की फिल्में करना चाहेंगे आप? अभी मेरी जो नेक्स्ट फिल्म्स रिलीज़ हो रही हैं वो उसमें मैं काफ़ी अलग, अभी जो थिएटर्स में चल रही है उसमें मैंने बाइकर का रोल किया है। अभी ये जो फिल्म आने वाली है यहाँ पे आजकल की लड़कियों को कैसे होना चाहिए वो मैंने प्ले किया है। अभी जो मेरी नेक्स्ट फिल्म आ रही है उसमें मैं काफ़ी हद तक बोल सकती हूँ कि आजकल जो चल रहा है डिवोर्स रेट्स, अर्ली मैरिज ब्रेकिंग, वो टॉपिक को लेके हमने फिल्म की है, जहाँ पे मैंने आज की लड़की का किरदार निभाया है, उन्होंने कैसे आगे बढ़ना चाहिए और लाइफ में शादी इस इंस्टीट्यूशन को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मराठी मैं अपने फैंस को यही कहना चाहती हूँ कि आप काम करो, लेकिन लड़की होने के साथ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, तो लड़कों को टक्कर देने के पीछे आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मत भूलो। भगवान ने लड़के को एक खास खास चीज़ के लिए बनाया है और लड़कियों को भी, तो आप आई थिंक विल कंटिन्यू।